लोकसभा ही एकमात्र ऐसा लोकसभा क्षेत्र हिंदुस्तान में है जहाँ पर अभी तक कोई स्थानीय धरती पुत्र इस माता के कोख से जन्मा हुआ पुत्र लोकसभा जीत करके नहीं गया। लागत है चतरा के तमाम लोगों को एकजुट करने का आह्वान किया है। जेडीके से तमाम लोग एकजुट होकर के आह्वान किए हैं इस बार चतरा से हम बाहर को भगाएंगे और वोट फोर लोकल का समर्थन करके हम स्थानीय कंधा पर लेकर के जाते थे वहाँ पर तो धूली गर्दा जो है जो वहाँ से उठता था उसको जैसे मस्तक पर ऐसे रगड़ा जाता था पूरा जो है तो धूली लगना जाता था कि राजा का आशीर्वाद होगा। ये जहाँ पर है राजभक्ति जहाँ पर इतनी प्रकाष्ठा पर है तो बताइए वोट का मतलब क्या था। आंधा मुंधा वोट और रानी जो है तो विजय होते रहे। रानी स्थानीय नहीं थी लोकसभा बट गया था और ये चतरा था और वो हजारीबाग की थी वो तीन बार हो गई 67 तक और 71 में फिर जो है वो औरंगाबाद का शंकर दयाल सिंह वो आए। हम लोग ठाकुरबाड़ी उस समय पढ़ते थे ठाकुरबाड़ी हमारे यहाँ था। हमने देखा कि सहदेव महतो पंचायत सेवक थे वो जैसे टूटी हुई कुर्सी ला करके लगा दिए और उसी कुर्सी पर जो है तो फाइबर अभी ये जो कुर्सी देख रहे हैं जात उस समय हुआ भी नहीं करता था टूटी कुर्सी पर बैठे। हाँ वोट के खातिर आए और सारे लोग जो है तो उस समय वोट दे दिया। फिर वोट लेकर के 5 साल हमारे बीच कभी शंकर दयाल सिंह नहीं आए चतरा से वो चले गए जीत करके 5 साल हो गया। 77 में दिल्ली चले गए दिल्ली आप भेजिए दिए तो दिल्ली चले गए भाई चतरा के थे नहीं चतरा क्यों वापस आते वही बात कहा जो है तो कुलदीप जी ने एक दर्शन जी थोड़ा डांट सीधा कीजिएगा थोड़ा आप बैठ जाइए 2 मिनट में कंक्लूड करेंगे 2 मिनट में लोगों को दूर जाना है पप्पू जी को आज इधर पकड़ के ले जाएंगे बहुत दूर से लातेहार से आए बच्चा बच्चों को बुला लें तो 71 के बाद 77 में चुनाव हुआ। 77 में जहानाबाद के वो रहने वाले थे सुखदेव प्रसाद वर्मा जो है सो चुनाव जीत करके चले गए। 77 के बाद जो है सो 80 में चुनाव हुआ रणजीत सिंह चुनाव जीत के चले गए। 80 के बाद फिर 84 में चुनाव हुआ उसमें आपका जो है जोगेश प्रसाद चुनाव जीत करके चले गए। 80 के बाद चुनाव 89 और 91 में हुआ तो सब बारी कोई एक भी आदमी यहाँ का नहीं। उसके बाद खतियानी कहाँ से होगा खतियानी तो हर घर का यहाँ पता नहीं है डिसमिल जमीन का पता नहीं है आपके साथ कोई रिश्तेदारी का पता नहीं है और तो और जाने दीजिए पप्पू जी उसका वोट यहाँ नहीं है मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज नहीं है वो चुनाव जीतता है। 89 और 91 में उपेंद्रनाथ वर्मा चुनाव जीत करके चले गए वो भी जहानाबाद के रहने वाले गया के रहने वाले टेकारी के थे उधर जो है तो और 96 और 98 में वीरेंद्र अग्रवाल चुनाव जीत गए। उसके बाद 99 में आपका जो है सो नागमणि चुनाव जीत गए है ना और फिर जो है सो 4 में चुनाव हुआ तो फिर वीरेंद्र अग्रवाल एक बार रिपीट कर गए। 9 में आपका जो है सो इंदर सिंह नामधारी चुनाव जीत गए वो भी डाल्टनगंज के रहने वाले और 14-19 में तो हद हो गया जो आदमी कभी चतरा आया नहीं धन्य महाप्रभु चतरा के तमाम मतदाताओं को जो है सो किन शब्दों में धन्यवाद दें क्या कैसे हम बतावे कि आप धन्यवाद के पात्र हैं कितना महान है कितने बड़े हैं आप कितना बड़ा थिंकर आप हैं कितने बड़े विचारक हैं सोचने वाले हैं कहाँ हैं आप अपने आप को तो तौलिए मिट रहा है वजूद चतरा जो है सो गिर भी हो रहा है जिसका जो है सो यहाँ पर वोटर लिस्ट में नाम नहीं वो आकर के चुनाव लड़ता है और धन बल के बल आधार पर वो पैसा बांट करके आपका ईमान खरीद करके 5 साल में आपका कितना दिन 1 महीना चलता है वो पैसा लाखों रुपया देता होगा। एक सांसद को कितना पैसा मिलता है मालूम है 10 करोड़ अभी है 50 करोड़ रुपया मिला अभी जो है सो चर्चा हो रही थी कहाँ काम हुआ नहीं हुआ हुआ होगा काम मैं नहीं कहता हूँ लेकिन सांसद का ये 10 करोड़ के लिए है क्या सांसद जो है सो यहाँ पर एक से एक बड़ा फैक्ट्री अभी चर्चा कर रहे थे लोग भेड़ी फार्म में लगाने का एक से एक बड़ा फैक्ट्री एक नवनीत राणा अमरावती की सांसद वो लड़ करके ले रही है गवा रही वहां पर अमरावती में तो एक से एक बड़ा फैक्ट्री अपना प्रपोजल डला करके लोकसभा में पारित करवा करके और अपना जो है सो यहाँ ला सकती है। आप बताइए उसमें से जो है हमको एक आदमी 10 आदमी तो बताइए
कि लोकसभा का कार्यवाही कितने लोग जाकर के देखे? कहाँ है आपको बताइए पहले आप लोकसभा की कार्यवाही कितने लोग देखे हैं? जवाहर जी उठ के चले या काजे तो टीवी पर नहीं देखने का मतलब है। लोकसभा की कार्यवाही फिजिकली जो है सो आपने जो है सो अपने सांसद के मार्फत सांसद आपका जो है सो ले जा करके आपका पास बनवा करके वहाँ बैठा करके और अपने जो है सो निवास पर आपको चाय पानी करवा करके कितने लोगों को किया? कितने लोगों को किया? मैं इस बैठक में इस पूछ नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तमाम जगहों में लगभग 50 ऊपर बैठा भेद फोर लोकल का आगाज करके चतरा में 50 ऊपर बैठक करके लोगों को पूछा है कि आप कितने लोगों को संसद में जाकर के आपको कार्यवाही दिखाया, कितने लोग देख पाए? कहे नहीं देखे। आप वोट किस लिए दिए? किस लिए वोट दिए आप? इसलिए कि आप जैसे चुपचाप मुख दर्शक बने रहिए, आपका कोई काम नहीं हो, आपका विकास नहीं हो, चाहे वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, चाहे विकास का हो, या जो है तो जिस तरह का आपका तो माने सम्मान गिरवी रखा हुआ। जतरा जो है तो आप जानते हैं पूरे हिंदुस्तान में 545 लोकसभा क्षेत्र है। 545 लोकसभा क्षेत्रों में दो तो एंग्लो इंडियन के लिए है, 543 पर चुनाव होता है और 543 लोकसभा क्षेत्रों में महाप्रभु आप धन्य है कैसे सो सुनिए। 545 लोकसभा क्षेत्रों में चतरा लोकसभा ही एकमात्र ऐसा लोकसभा क्षेत्र हिंदुस्तान में है जहाँ पर अभी तक कोई स्थानीय धरती पुत्र इस माता के कोख से जन्मा हुआ पुत्र लोकसभा जीत करके नहीं गया। लगत है हमारी जो है तो मतदान के अधिकार पर। इसलिए मित्रों जगह चतरा को जगाने के लिए भेद फोर लोकल के माध्यम से चतरा को जगाने के लिए फिर चरणदागी निकला हुआ और आज नहीं पिछले 3 इलेक्शन से मैंने भेद फोर लोकल की चर्चा किया। जब मैं सेवानिवृत्त हो गया तो मैंने जो है सो जवाहर जैसे मित्रों को बैठा करके और आप लोगों के तमाम जेबीकेसेस के लोगों का सहयोग प्राप्त करके मैं ठाना है कि एक एक जो है सो प्रखंडों में एक एक पंचायतों में जा करके जो है सो ये मैं लोगों के बीच अपनी बात रखूंगा और धन्यवाद इसलिए उनको दूंगा कि आपने 16 बार ये गलती किया है या 17 बार भी ये गलती आप करने जा रहे हैं तो हमको ये बताइए कि चतरा क्या 17 बार भी ये गलती करेगा कि बाहरी चुनेगा कि इस बार धरती पुत्र को चुन करके लोकसभा में भेजेगा? अगर धरती पुत्र को चुन करके लोकसभा में भेजने की बात अगर करते हैं तो सारे लोग हाथ उठा करके और समर्थन कीजिए कि इस बार किसी भी कीमत पर हम एक एक आदमी को जगाएंगे और किसी भी कीमत पर धरती पुत्र को चुनाव जिता करके लोकसभा भेजेंगे। ये बात सबको जच रही है, सारे लोग हाथ उठा करके समर्थन कीजिए कि इस बार हर कीमत पर चाहे कितनी बड़ी कुर्बानी बलिदानी देना पड़े हम तैयार हैं और किसी भी कीमत पर बाहरी को हम नहीं चलने देंगे। टाइम पुर गया है बाहरी लोगों का कि हमारा पुर गया? बहुत बहुत धन्यवाद। एक वृद्ध आदमी आशीर्वाद दे रहे हैं कि बाहरी उनका टाइम पुर गया है और हमारे तरह भी इशारा लगता है सुनील जी का होगा कि जैसे बहुत आप जो है से समय ले रहे हैं तो बहुत तो लोगों को बहुत दूर जाना है और संकल्प जब आपने लिया है तो मुझे विश्वास है